हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में देखा था, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आज के हमारे इस वीडियो में फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। फाइनेंस इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। Finance is required for the establishment, development, expansion and modernization of a business. अब यहाँ पे जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कोई भी बिज़नेस अगर हमें स्टार्ट करना है या हमारे बिज़नेस को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है? फाइनेंस। कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी वो पैसों के बिना स्टार्ट ही नहीं होती। फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांसन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। कि अगर मुझे बिज़नेस को स्टार्ट करना है, उसे डेवलप करना है, उसे बढ़ाना है या उसे मॉडर्न करना है, तभी मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसों की ज़रूरत तो मुझे पड़ती ही है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ अ फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल फंक्शंस मीन्स फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, अलोकेशन ऑफ कैपिटल। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन अ आइडियल और इफिशियंट मैनर। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो कि जो बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल फंक्शन है, कि पैसों से लगते जो भी अगर बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन उसके बारे में डील करना। फाइनेंशियल फंक्शन दैट मीन्स कि हमें एक्विजिशन, मतलब कि अगर हमें कोई रिसोर्स लेना है, कैपिटल जरूरत है, वो उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है वो अलोकेट करनी चाहिए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, वो सारे काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये सारे काम जो है वो एकदम इफिशियंट और अच्छे मैनर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, कि हमें एक अंदाज़ा लगाना कि हमें कितनी कैपिटल की कब जरूरत पड़ने वाली है, कैसे जरूरत पड़ने वाली है वो। टू मेक फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कि हमें कौन से टाइम पे कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में एक प्लान बनाना, फाइनेंशियली एक चार्ट बनाना, कि ताकि हमें इजीली पता चले कि हमें कौन से टाइम पे किस तरह के पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, कब जरूरत पड़ने वाली है और कैसे जरूर पड़ने वाली है वो। टू प्रिपेयर द बजट। अब बजट का मीनिंग क्या हुआ कि हम एक एस्टिमेट स्टेटमेंट बना के रखें पूरे साल का, कि हमारे इतने खर्चे होने वाले, इतनी हमारी इनकम होने वाली, हमें कौन सी जगह पे कब कितने पैसे खर्च करने हैं, कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, कब हमें असेट्स लेनी है, कब नहीं लेनी है, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, रॉ मटेरियल कितना परचेस करेंगे, उसके बारे में एक एस्टिमेट निकालना। फिर टू अलोकेट फंड्स, मतलब कि जो हमारा फंड्स जो होता है, कि जो पैसे हमारे पास होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में अलोकेट करना, कि जिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे कम पैसे मिले, जहाँ पे कम जरूरत है वहाँ पे ज़्यादा पैसे दें, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में अलोकेट करना। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट द सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है, कौन सी मीडियम के थ्रू कैपिटल कलेक्ट करनी है उसके बारे में डिसाइड करना, और सोर्स कि कैपिटल किस तरह से लेनी है। टेम्परेरी अगर हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो किस तरह से हम मार्केट में से ले रहे हैं, मतलब कि सोर्स कि बैंक से ले रहे हैं या शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले रहे हैं या कैश क्रेडिट ले रहे हैं वो। और अगर लॉन्ग टाइम ले रहे हैं तो लोन ले रहे हैं या ओनर्स फंड ले रहे हैं या बोरोइंग फंड्स ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं या कैपिटल शेयर्स इशू करें, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करना। टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ फॉर द अक्वायरिंग ऑफ बिजनेस, कि सपोज अगर बिजनेस में ओनर्स फंड लेके आ रहे हैं, मतलब कि शेयर्स लेके आ रहे हैं, तो उसकी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना, शेयर इशू करने के बारे में प्रोसीजर फॉलो करना, ये सारे। टू सी द अक्वायर्ड फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज एंड टू कीप कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि जो हमने फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए, कि जो फंड्स हम अलोकेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली जो यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कंट्रोल रहना उनके ऊपर, कि अगर कुछ ज़्यादा, अगर किस डिपार्टमेंट में, अगर कोई डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल लेके आना, गाइडेंस देना कि कब किस तरह से पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए, किस तरह से फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह से यूज़ करना चाहिए वो। तो फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, कि अगर पैसे आते हैं तो किस तरह से हमें कौन सी डिपार्टमेंट को कब किस तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, उसके बारे में पॉलिसीज बनाना। टू प्लान फॉर द टैक्स, कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है हमें, तो किस तरह से हमें टैक्स जो है वो पेमेंट करना चाहिए, कितना परसेंट करना चाहिए, कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा,
किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान करना, और टैक्स कब पेमेंट करना है, हमारी कितनी इनकम है, वो सारी चीज़ें। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, कि अगर हमें असेट्स परचेस करनी है तो उसके बारे में अरेंजमेंट करना कि कौन सी असेट्स लेनी चाहिए, अलग अलग कंपनी के पास अलग अलग, हैवी मशीन है तो ऑब्वियसली उनका कोटेशंस मंगवाना, कौन सी मशीन किस तरह से परचेस करनी है, कब करनी है, कैसे परचेस करनी है, उसके बारे में डिसीजंस लेना, और फाइनेंशियली उस सारी चीज़ों के बारे में अरेंजमेंट करना। सो आज के इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि जैसे कोई भी हमारे अगर ह्यूमन बॉडी है, हमें हमारी ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए पैसों मतलब कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से कोई भी बिज़नेस को अगर हमें चलाना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम हमारे कोई भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन, इवन हमारी डेली लाइफ में भी हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से सिस्टमेटिकली वे में हम उसे नहीं कर पाएंगे। और ये तो बिज़नेस है, अगर वहाँ पे फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, मतलब कि स्टक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखा। आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको आपकी नोटबुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मतलब कि उसकी मीनिंग और उसके फंक्शंस जो है उसको वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर अनदर फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।